डेफिनेटली काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें टारगेट अपग्रेड्स आए हैं, किसी किसी में टारगेट कट भी आया है। सबसे पहले उनकी बात करता हूं जहां टारगेट अपग्रेड आया है, उसमें देखिए कल कुछ नतीजे आए थे, उसमें HDFC AMC एक था और यहां बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच और मॉर्गन स्टैनली दोनों ही इस काउंटर को अपग्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 1850 से बढ़ा क्या 2200 का इन्होंने कर दिया। इनका कहना कि Q1 के नतीजे जो थे काफी अच्छे थे, मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला और सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी फ्लोज है वो फिर से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q1 के जो नतीजे थे वो इनके अनुमान से काफी बेहतर थे और जो मार्जिन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था और इसके लिए इन्होंने भी ओवरवेट का कॉल दिया है, प्राइस टारगेट 2000 से बढ़ा के 2300 का कर दिया है। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक, नतीजों के बाद सिटी ने इसका प्राइस टारगेट बढ़ाया है, न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 110 से बढ़ा के 120 का किया है। इनका कहना है कि देखिए कासा रेशियो में गिरावट आई, स्लिपेजेस स्लाइटली हायर साइड पे थे, लोन ग्रोथ स्लो है, लेकिन जो मुनाफा है वो इनके अनुमान से काफी बेहतर था और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं 110 से बढ़ा के 120। वहीं जेफरीज भी खरीदारी की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 114 से बढ़ा के इन्होंने 125 का किया है। इंडियन पावर सेक्टर पे CLSA की एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि पावर सेक्टर में एक बुल रन देखने मिलेगा और Q1 के जो नतीजे होंगे वो एक टर्न अराउंड रहने वाले हैं पूरे पावर सेक्टर के लिए। NTPC को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 157 से बढ़ा के 170 का किया है। पावर ग्रिड खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 217 से बढ़ा के 230 का किया है। अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां प्राइस टारगेट कट आए हैं, मारुति HSBC ने खरीद होल्ड की सलाह दी है लेकिन प्राइस टारगेट 7200 से काट के 6800 का दिया है, करंट मार्केट प्राइस 6160 पे है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो तमाम रिपोर्ट्स, लेकिन आज